Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. 100 वर्षों से ज्यादा का समय बीत गया है। मेरठ की रामलीला मैदान को सनातन धर्म रक्षिणी सभा के निर्देशन में आयोजित होते हुए, लेकिन पिछले 15 साल पहले कमेटी के अध्यक्ष बने जितेंद्र मणि व महामंत्री नीरज शर्मा का कहना है कि उन्होंने 15 साल पहले रक्षिणी सभा को दोबारा पंजीकृत करा लिया है। इसी पंजीकृत के मुताबिक वह हर साल रामलीला के आयोजन के लिए उसके अध्यक्ष, संयोजक और अन्य पदाधिकारियों का चयन खुद करते हैं। लेकिन वहीं कमेटी के मेंबर सुरेश गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कमेटी के पंजीकृत होने का साक्ष्य किसी के पास नहीं है, और अगर ऐसा है तो इसके मुताबिक जितेंद्र मणि व नीरज शर्मा 15 सालों से अध्यक्ष और महामंत्री हैं। फिर वे हर साल नया अध्यक्ष और महामंत्री क्यों नियुक्त करते हैं? साथ ही उन्होंने कहा, जितेंद्र मणि ही रामलीला मैदान में गैर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, वे उनसे प्राप्त हुआ पैसा कहाँ जाता है कमेटी के किसी मेंबर या पदाधिकारी को नहीं पता। सुनिए सुरेश गोयल वे मनोज गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा। भैया, मेरा नाम मनोज गुप्ता, मैं श्री रामलीला कमेटी मेरठ शहर का 2023 का अध्यक्ष चुना गया हूँ। 29 मार्च 2023 की आम सभा हुई थी, उसके अंदर अध्यक्ष चुना गया हूँ। आज की हमारी ये मीटिंग बुलाने का उद्देश्य है, 8 अप्रैल 2023 में एक प्रेस वार्ता करी गई थी स्वयंभू अध्यक्ष श्री जितेंद्र मणि जी के द्वारा, उसका हम लोगों ने सभी बिंदुवार ये जवाब बनाया है और वो आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है। उसमें हमने कुछ जानकारियां भी मांगी हैं उनसे, जो विषय इसमें नहीं थे वो हमने उनसे पूछे हैं व्यक्तित्व। एक एक बिंदु का हमने उसको जवाब दिया है। कुछ उनसे हमने और सवाल किए हैं, जो बहुत पुराना रथ था भगवान का, 50 साल पुराना रथ था, वहाँ खड़ा रहता था, वो उसको खुर्द बुर्द कर दिया गया। भगवान के जेवरात थे, वो भी सब खुर्द बुर्द कर दिए गए। और बहुत सारी, आप जब इसको पढ़ेंगे आपको मिलेगा कि इसके अंदर हमने हर विषय जो भी था, उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी ने मंच तोड़ दिया, जबकि इन्होंने वहाँ मेला लगवाया और सर्कस लगवाया, वहाँ पर ट्रेड फेयर लगाया, उससे पैसा कलेक्ट किया, वो पैसा भी इन्होंने रामलीला कमेटी में जमा नहीं किया, और ट्रक पार्किंग वहाँ पर कर दी इन्होंने कि जो है उसका मन मर्जी की तरीके से। आज 16 साल से अकाउंट खुला हुआ है, 16-17 साल पुराना बैंक अकाउंट, 2006 में बैंक अकाउंट खुला था। उसमें उस दिन से जो अध्यक्ष, जो महामंत्री, जो कोषाध्यक्ष चले आ रहे हैं, उस दिन से कोई चेंज नहीं हुआ। कभी मीटिंग करके इन्होंने, कभी आम सभा करके अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष बनाने की कोई कभी ज़रूरत नहीं समझी। व्यक्तिगत रूप से चलाते रहे रामलीला कमेटी को, जबकि ये एक सामाजिक संस्था है, ये धार्मिक संस्था है, इसके ये जनता के पैसों से चलती है। इसमें जो भी मट्टी भरा होता है, पिछली बार योगी सरकार ने किया था, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। हमने 1 रुपया कमेटी में जमा नहीं किया, खर्च नहीं किया, और 52 लाख रुपये हमने कलेक्शन करके शहर की जनता के सामने बहुत ही उत्कृष्ट रामलीला हमने वहाँ पर प्रस्तुत की। लेकिन इन्होंने उससे पहले पूर्व के बाद वर्षों में 23 लाख की लीला करी और 7 लाख रुपये का इन्होंने घाटा दिखाया उसमें। और वो घाटा क्या है कि इनका कहना कि घाटा समझना होगा, घाटा होता क्या है। हमने आप लोगों से घाटा नहीं मांगा। घाटा क्या है भाई, आप अगर कोई पैसा सर्कस से आ रहा है या किसी संस्था से आप पैसा ले रहे हो ट्रेड फेयर से, तो उसको रामलीला कमेटी में क्रेडिट करो और जो पैसा खर्च हो रहा है उसको डेबिट करो। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और कहते हैं कि मुकदमेबाजी की पैर भी अकेले जितेंद्र मणि जी कर रहे हैं। भाई, जितेंद्र मणि जी का कोई पर्सनल काम थोड़ी है रामलीला कमेटी, ये तो व्यक्तिगत काम नहीं है, ये सामाजिक काम है, ये धार्मिक काम है। इसके अंदर सभी को जो काम चलता है वो सारा शहर के जनता के पैसे से चलता है। तो इसलिए जो है मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी भावनाओं को जन जन तक पहुँचाएं। रथ जो कि 50 वर्ष पुराना था, वो कब खुर्द बुर्द कर दिया गया, कौन सी मीटिंग में वो पास हुआ, कहाँ बेच दिया गया, वो शहर की जनता की आस्था से जुड़ा हुआ है, उसका जवाब भी जनता चाहती है। विश्वसनीय सूत्रों से जो ज्ञात हुआ और देखा गया है, उस जगह पे वर्तमान में कुछ निजी लोगों की कार पार्किंग हो रही है, इसलिए शायद वो रथ खुर्द बुर्द कर दिया गया। श्री सनातन धर्म सभा का जो कॉलेज है ना बुढ़ाना गेट पर, वहाँ खड़ा होता था सर वो, और वहाँ आप कार खड़ी होती है, रथ इन्होंने कहाँ वो ख़त्म कर दिया। शहर की जनता के दिमाग में उसके प्रति भी काफ़ी रोष है। ये तो हम नहीं कह सकते
क्योंकि लेकिन दो चार कार वहाँ रात को आके खड़ी होती हैं स्कूल बंद होने के बाद, अंदर गेट के होती हैं, वो हमने स्वयं देखा है, वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक बात, दूसरी बात, 2022 में जितेंद्र मणि जी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से श्री मनोज गुप्ता जी को अध्यक्ष चुना गया,